हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली क्या है, जब हम बी फार्मा करते हैं या फिर फार्मा की तरफ थोड़ा सा देखते हैं, तो कई बार हमारे मन में आता है, अगर मेरे पास थोड़ा सा फंड है ना, बजट है, तो लगता है कि यार हमें स्टार्ट करनी चाहिए कंपनी, खुद की कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। कई बार लोग फ्रेंचाइजी से परेशान हो जाते हैं या फ्रेंचाइजी मॉडल उनको पसंद नहीं आता, तो ऐसे कंडीशन में हमारे मन में एक माइंड मेकअप बनता है कि चलो यार हम अपनी खुद की कंपनी की लॉन्च करेंगे। तो खुद की कंपनी लॉन्च करने का यहाँ पे मैं प्रोसीजर बताऊँगा, कैसे आप खुद की कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। फार्मा की कंपनी लॉन्च करने की यहाँ मैं रजिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की जो प्रोसीजर है उसके बारे में डीपर नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि आपको अगर नई कोई कंपनी लॉन्च करनी है स्पेशली फार्मा के अंदर, तो आपको कैसे लॉन्च करना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ स्टेप वाइज मैं आपको डिटेल करता हूँ। आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी कंपनी लॉन्च करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन का, वो मैं ब्रीफ में कर दूंगा रजिस्ट्रेशन, तो आप जाके पता करेंगे, ईजिली चीज़ें अवेलेबल होती है, ठीक है। सारे पॉइंट को मैंने अपने सामने नोट डाउन कर लिया है ताकि वो चीज़ मिस ना होने पाए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले फ्रेंड, किसी भी फार्मा कंपनी को स्टार्ट करने से पहले या कोई भी कंपनी, नॉट ओनली फार्मा कंपनी, आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया। बहुत अच्छा, ये पहला पॉइंट है, बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब ये जो आपका अच्छा आइडिया है, ये आपके मन में सिर्फ नहीं होना, मतलब आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। माइंड में तुम्हारे बहुत सारे आइडिया आते हैं, माइंड में नहीं होना चाहिए। ये जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं ना, इस आइडिया को लेके आपको जाना पड़ेगा मार्केट में। मार्केट में जाइए, मार्केट रिसर्च करिए। बिना रिसर्च किए, बिना डेटा देखे आप कभी भी अगर कंपनी लॉन्च करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। बिना डेटा के कभी भी कंपनी या कोई भी काम नहीं किया जाता है। डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए सबसे पहले आपके दिमाग में जो भी आइडिया आया है, जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप जाना चाहते हैं, मीन्स अपने माइंड के अंदर 4-5 प्रोडक्ट का आइडिया लीजिए कि चलो इन प्रोडक्ट के साथ मैं अपना कंपनी लॉन्च करूँगा या मुझे अपनी कंपनी लॉन्च करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्क है उसमें वो है मार्केट रिसर्च। सेकंड है राइट योर बिजनेस प्लान, ठीक है। आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, अब अभी आपको सेकंड पॉइंट है अपना बिजनेस प्लान लिखने का। बिजनेस प्लान क्या, अभी मुझे कंफर्म हो गया है कि मैं ये दो साल्ट हैं जिसके साथ मैं ब्रांड अपना कंपनी लॉन्च करूंगा। अभी ये जो दो साल्ट हैं इसका, क्योंकि मैंने मार्केट रिसर्च कर लिया है, मेरे पास अभी डाटा आ गया, अभी डेटा के ऊपर मैं प्लान करूंगा कि इसको ब्रांड को प्रमोट कैसे किया जाएगा, ठीक है। मेरा बिजनेस प्लान कैसे होगा, मेरे कंपनी का एम क्या होगा, मेरे कंपनी का लोगो क्या होगा, मेरा बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपनी का सैलरी सिस्टम क्या होगा, इंसेंटिव सिस्टम क्या होगा, कंपनी किस थीम के ऊपर रन करेगी, कंपनीज को कोर वैल्यूज क्या होंगे, कंपनी के अंदर कौन कौन सा मैनेजमेंट होगा, कौन से डिपार्टमेंट के साथ मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। CFA वगैरह कैसे होंगे, स्टॉकिस्ट कैसे होंगे, मीन्स ओवरऑल पूरा ब्लूप्रिंट आपको। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, सबसे पहले आपको पूरा ब्लूप्रिंट रेडी करना चाहिए, जिसको मैं बोलूँगा बिजनेस प्लान बनाना चाहिए आपको, ठीक है। उसमें आपको A to Z एक छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक हर एक चीज़ मेंशन हो चाहिए। कंपनी के वैल्यूज़ क्या होंगे, कोर वैल्यूज़ क्या होंगे, कंपनी के एथिक्स क्या होंगे। देखो कंपनी, अब आप सोचोगे सर कंपनी के एथिक्स क्या होते हैं, देखो जब कोई कंपनी लॉन्च होती है ना, या हर कंपनी को आप देखोगे ना, कुछ कोर वैल्यूज होते हैं। कोर वैल्यूज का मतलब ये होता है फ्रेंड कि कोई भी कंपनी किस बेस पे रन कर रही है। इसे मैं आपको दो कंपनी का एग्जांपल दूंगा, अपने आप ही आप समझ जाओगे, ठीक है। ठीक है, मार्केट के अंदर आपने मैनकाइंड फार्मा का नाम सुना होगा, जिसको आजकल काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी पिछले 10 साल से लगभग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। एक मैनकाइंड का कॉन्सेप्ट है वर्क करने का। क्या कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर को हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, सेल जनरेट करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इनपुट, क्योंकि छोटे डॉक्टर को ज़्यादा थोड़ा सा लालच टाइप का होता है, तो हम छोटे डॉक्टर को छोड़ेंगे नहीं, गली मोहल्ले कहीं भी बैठा होगा सबको कवर करेंगे, छोटा छोटा बिजनेस लेके आएंगे, ठीक है। सारे डॉक्टर से छोटा छोटा लेके आएंगे और सबको खुश रखेंगे। इससे होगा क्या कि ब्रांड अवेलेबिलिटी माइक्रो लेवल पे हो जाएगी, ठीक है। बड़ी कंपनीज के ब्रांड जो होते हैं वो बड़े लेवल पे अवेलेबल होते हैं, माइक्रो इंटीरियर्स में पेनिट्रेट करना कंपनीज के लिए इतना आसान नहीं होता। तो मैनकाइंड ने एक बिजनेस प्लान बनाया, इसको मैंने जो आपको बिजनेस स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, बिजनेस प्लान बनाया कि मुझे माइक्रो इंटीरियर में पेनिट्रेट करना है, उसके लिए क्या चाहिए।
माइक्रो इंटीरियर पेनिट कैट के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो इकोनॉमिकल मेडिसिन होना चाहिए, दूसरा केमिस्ट को प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइक्रो इंटीरियर में कोई केमिस्ट की सेल बहुत बड़ी बड़ी है, बड़े प्रिस्क्रिप्शन पे होती नहीं है, उसको डील डिस्काउंट चाहिए, वो काफ़ी कुछ खुद से डिस्पेंस कर देता है, छोटे छोटे डॉक्टर्स होते हैं तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े प्रिस्क्रिप्शन नहीं आते, उसकी सेल उसके ऊपर छोटे छोटे डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, तो उसको प्रॉफिट एक्स्ट्रा चाहिए ताकि उसकी दुकान रन हो सके, तो मैनकाइंड ने उसको दिया, मैनकाइंड ने ब्रांड सस्ता दिया, डील डिस्काउंट दिया, अभी तीसरा डॉक्टर बच रहा था, डॉक्टर को भी चाहिए था कुछ लिखने, वो छोटा है, उसके पास बड़ी बड़ी कंपनी नहीं आती, बड़ा सा बिजनेस नहीं दे पाता था, उसको कोई इग्नोर करता, बड़ी कंपनी में क्या होता है कि छोटे डॉक्टर रखने ही नहीं लिस्ट के अंदर, मिलने को छोड़ दो रखने ही नहीं लिस्ट के अंदर, मैनकाइंड ने उन डॉक्टर्स को पकड़ा, कहीं भी कोई भी डॉक्टर है अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो मैनकाइंड की लिस्ट में होगा, उसके लिए जरूरी क्या होनी चाहिए, उसके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, बिना मोबाइल नंबर के मैनकाइंड की डॉक्टर लिस्ट में डॉक्टर नहीं होता, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, डिग्री है कि नहीं है कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर है ना, क्योंकि हम इनपुट देंगे बीच में वो गड़बड़ ना होने पाए एमआर के साथ में इनपुट में, उसके पास मैसेज चला जाता है, जैसे एमआर इनपुट दे के जाता है, एंट्री करता है, रिपोर्टिंग करता है, फिर उसके पास मैसेज चला जाता है, ये एक बिजनेस प्लान है मैनकाइंड का, ठीक है, आपको मैंने बहुत बारीकी से समझा दिया। दूसरा मैं आपको प्लान बताता हूं, बिजनेस प्लान है अबाउट हेल्थ केयर का, मैं लेके चलता हूं, ठीक है, ये टॉप लेवल की कंपनी है। एबर्ट हेल्थ केयर का क्या प्लान है कि हम एथिक्स से बाहर नहीं जाएंगे, मतलब एबर्ट के, क्योंकि मैं एबर्ट में खुद काम किया हूं तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको एथिकल, कितनी ज़्यादा एथिकल एबर्ट कंपनी है, मतलब एबर्ट पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो एबर्ट का जो कोर वैल्यू है ना, उसके हिसाब से हम किसी डॉक्टर के बर्थडे को भी विश नहीं कर सकते, मतलब डॉक्टर के बर्थडे को विश करना है ना तो डॉक्टर के बर्थडे के जाओ और बोल दो सर हैप्पी बर्थडे टू यू, बस अगर उसमें चाहते हो कि आपको एक मिठाई का एक डब्बा लेके चले जाओ, कुछ एक केक लेके चले जाओ, कुछ ऐसे छोटा सा ना 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर दो, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना ये एबर्ट के एथिक्स के खिलाफ है, राइट, ये एबर्ट के एथिक्स के खिलाफ है। अब बहुत बड़ी कंपनी में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसके ऊपर बिजनेस जनरेट किया था, बट दिस इज़ नॉट द एथिक्स ऑफ द एबर्ट हेल्थ केयर। तो एबर्ट की अपनी अलग कोर वैल्यूज है, उनको वैल्यू ऐड करना है जीवन में, लाइफ में लोगों के, तो उसका एक सिस्टम अलग है काम करने की, हम एथिक्स के बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम बिजनेस जनरेट करेंगे किसके ऊपर, अपने क्वालिटी के ऊपर, अपने ब्रांडिंग के ऊपर, अपने न्यू रिसर्च मॉलिक्यूल के ऊपर, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हम कॉन्सेप्ट को सेल करेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, क्वालिटी मेडिसिन देंगे, उसके ऊपर हम बिजनेस जनरेट करेंगे। तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया, एक मैनकाइंड का कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है सेल करने का, और एबर्ट कंपनी का क्या सेल है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा आपके कौन से मॉलिक्यूल हैं और किस हिसाब से आपके कंपनी के कोर वैल्यूज होंगे जिसके ऊपर आपकी कंपनी रन करेगी, ठीक है, कोर एथिक्स के जाएगी, डील डिस्काउंट के साथ जाएगी, गिव एंड टेक में चलेगी, किस बेस पे कंपनी रन करेगी, ठीक है, दिस इज द बिजनेस प्लान। तो दूसरा नंबर यह है आपको बिजनेस प्लान ब्लूप्रिंट बना लेना है। तीसरा पॉइंट की मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट है फंडिंग टू योर बिजनेस। अभी आपके जो बिजनेस प्लान है उसका फंड कितना होगा, कितने के साथ वो स्टार्ट होगी, कितना आपके पास फंड रिजर्व रहेगा। अब आप लोगों को, मैं कुछ लोगों को कमेंट होता है सर मैं 3 लाख से स्टार्ट कर सकता हूं कंपनी, क्या 5 लाख से स्टार्ट कर सकता हूं, क्या 10 लाख से स्टार्ट कर सकता हूं, क्या फ्रेंड देखिए कंपनी कोई भी स्टार्ट करने लिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, नहीं टॉपिक से हम भटक जाएंगे, कंपनी स्टार्ट करने के लिए वैसे 10 लाख का फंड तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम 3 लाख से 4 लाख से 5 लाख से कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकते, हम 3 लाख रुपए से भी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, बट बशर्ते यही है कि हम उसमें स्टाफ कम कर देंगे, एक ही दो की स्टाफ के साथ जो आपका बिजनेस प्लान बनाएंगे ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो 3 लाख से भी फ्रेंड आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जिन लोगों का मन में आएगा 3 लाख से 4 लाख 5 लाख मेरे पास फंड है स्टार्ट कर सकते हैं, क्या स्टार्ट कर सकते हैं। अभी 3 लाख 5 लाख से कैसे फंड स्टार्ट करेंगे ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज के टॉपिक से हम भटक जाएंगे, ठीक है, स्टार्ट कर सकते, उसके लिए आपको वह स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट था फंडिंग, अपने बिजनेस का आपका फंडिंग कहां से आएगा, कितना फंडिंग लिक्विडेट होगा, कितना फंड आपका मूवेबल रहेगा, कितना फंड आपका लिक्विड कंडीशन में रहेगा, कितना फंड आपका रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये फंडिंग का आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपने बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, पिक योर बिजनेस लोकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आप बिजनेस का आपका लोकेशन कौन सा होगा, लोकेशन आप अपना हेड ऑफिस कहाँ बनाएंगे, सिटी के अंदर बनाएंगे जहाँ पे महंगा है, ठीक है, आप ब्रांडिंग शो करेंगे कि मेरा सिटी इस लोकेशन पे आए। देखो कंपनी का डिपेंड करता है आपका बिजनेस मॉडल कैसा है, वो क्या किसी इंटीरियर की जगह में वेयर हाउस लेके स्टार्ट किया जा सकता है या फिर किसी सिटी के महंगे प्लेस पे रख के ब्रांडिंग की जा सकती है, ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके नेचर के ऊपर। फार्मा के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ कंपनी का कहाँ पे हेड ऑफिस है, कहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके।
तो लोकेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करो, चूज अ बिजनेस स्ट्रक्चर। अभी आपको मैंने बताया एक बिजनेस ब्लूप्रिंट बताया, अभी यहां पे मैं बता रहा हूं बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में। बिजनेस स्ट्रक्चर मतलब कि एमआर होगा, उसके ऊपर मैं एमआर चार पांच एमआर रखूंगा, एमआर रखने के बाद मैं उसके ऊपर मैनेजर रखूंगा। अभी मैनेजर रखूंगा या मैं खुद एज ए मैनेजर काम करूंगा, ठीक है। पोस्ट कौन कौन सी होगी, ठीक है, एचआर होगा कि नहीं होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा कि नहीं, एडमिन होगा कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं, ठीक है, और जो अदर डिपार्टमेंट होते हैं वो होंगे कि नहीं, कौन कौन से, आपका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से उसमें डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है, अकाउंट होगा कि नहीं होगा, ये अपने बजट जो आप ऊपर आपने ब्लूप्रिंट बनाया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे कौन कौन से डिपार्टमेंट लेके मुझे रन करना है, कितने इंप्लॉई मुझे रखने हैं, ठीक है। इसके बाद जब आपने ये पूरा चीज़ तैयार कर लिया, अकाउंट तैयार हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, आइडिया तैयार हो गया, प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर लिया, इसके बाद आपका अगला नंबर है वो है अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी का इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट के साथ आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जीएसटी नंबर लेंगे, डीएल नंबर लेंगे। अब यहाँ आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फार्मा कंपनी स्टार्ट करने के लिए मुझे किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए फार्मा कंपनी, यहाँ भी मैं ब्रीफ में बताऊँगा, फार्मा कंपनी दो तरीके से फ्रेंड स्टार्ट किया जाता कि हम कर सकते हैं। एक तो होता है फुल फ्लैश कंपनी स्टार्ट करना, जहां कंपनी को एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करा के फिर हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन का चार्ज आता है। तो वो एक सिस्टम है जो स्टैंडर्ड तरीका है, जिस तरीके से हम कंपनी को लॉन्च करना चाहिए। बट अगर आपके पास फंड कम है, स्टार्टिंग में आपको डाउटफुल है आपकी रन करेगा नहीं होगा क्या होगा, तो आप स्मॉल स्केल पे क्या कर सकते हैं, ओनली डीएल, जीएसटी एंड फूड लाइसेंस, ये तीन चीज़ लेके एज ए कंपनी रन कर सकते हैं। इसमें आपको दो चीज़ों का, दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जो आपका फर्म का नाम होगा ना, वो एक कंपनी की तरह होना चाहिए, मेडिकल एजेंसी इस तरह का नाम नहीं रखना है। आप अपने फर्म का नाम इस तरह से रखोगे कि वो कंपनी की तरह लगे, और फर्म का नाम रखने से पहले उसका ट्रेडमार्क ले लो, ठीक है, ट्रेडमार्क ले लो। ट्रेडमार्क लेने में 8,000 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ट्रेडमार्क के साथ, आपने जो नाम मांगा हुआ है उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा हुआ है, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है किसी भी वजह से, तो ये 8,000 रुपये जो आपके फीस है ये रिफंडेबल नहीं है, ये वहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप दोबारा अप्लाई करोगे दोबारा पेमेंट, तिबारा अप्लाई करोगे तिबारा पेमेंट देना पड़ेगा। तो जो भी अपने फर्म का नाम आप सोचोगे ना, बहुत सोच समझ के भेजना, और वकील से जिसके थ्रू ये भेजोगे रजिस्ट्रेशन आप कराओगे उसके थ्रू अच्छे से थोड़ा समझ लेना, ताकि आपका ये रजिस्ट्रेशन जो है रिजेक्ट ना होने पाए। ऐसा कोई नाम चूज करना जिससे रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट ना होने पाए, अदरवाइज रिजेक्ट होगा तो आपका ये पैसा चला जाएगा, ठीक है। अब आप जो ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं उस ब्रांड का भी रजिस्ट्रेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी, भले आपके थोड़े पैसे लगेंगे, आप सोचोगे सर बिना रजिस्ट्रेशन के भी वर्क कर सकते हो, ठीक है, बट सपोज दैट आप बिना रजिस्ट्रेशन के वर्क किए, जिस कंपनी से आपने मैन्युफैक्चरिंग कराया, आपका सेल बहुत अच्छा होने लगा, कंपनी ने अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करा लिया, ट्रेडमार्क करा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब ऐसा फार्मा के अंदर होता है, कई बार मैंने ये सुना हुआ है, ठीक है, कि अच्छा चल रहा था ब्रांड, किसी ने उसको रजिस्टर्ड करा लिया। जैसे आप फ्रेंचाइजी लेकर काम करते हैं, फ्रेंचाइजी के सारे ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होते, ठीक है, लोग लेकर काम करते हैं ना, अगर आप कोई बहुत अच्छा ब्रांड बेचने लगे ना, आप चाहो तो उसमें रजिस्ट्रेशन करा लो, चुपके से रजिस्ट्रेशन करा लो, आपके नाम पर होगा, कंपनी को लेटर भेज दो, वो ब्रांड नेम चेंज कर देगी, ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना आए कि आपका जो ब्रांड हो, ब्रांड आप मेहनत करो, डेवलप करो, ब्रांड को बड़ा बनाओ, और उसके बाद उसका क्रेडिट कोई और लेके जाए, इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रेडमार्क बहुत ज़्यादा जरूरी है लेना। तो आप ब्रांड का ट्रेडमार्क ले लीजिए, आपका जीएसटी नंबर ले लीजिए, डीएल ले लीजिए, बिना लाइसेंसिंग वाला गवर्नमेंट वाला जो रजिस्ट्रेशन का पूरा काम हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप इन द सेंस आपको प्रोडक्ट बनवाना है और वर्क स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, एटलीस्ट एज ए एमआर आपने, फार्मा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एज ए एमआर आपने काम नहीं किया है ना फ्रेंड, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा काम करके फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो अभी आप बी फार्मा करके आए हो, डी फार्मा करके आए हो, या आपको फार्मा इंडस्ट्री देख के बहुत ज़्यादा आपको लालच आ गया है और आपको बिजनेस करने का आइडिया नहीं है, ठीक है, बिजनेस करने का आइडिया नहीं है, तो आपके फेलियर होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। बट अगर आप उसी फील्ड में जाके ना, प्रोसेस जो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर सिस्टम ये सारा बताया, तो जब आप किसी कंपनी में वर्क किए रहोगे ना, तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली जानते होगे आप, राइट, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली जानते होगे और आपके साथ होता होगा, मतलब होगा, जब आप किसी कंपनी में एज ए एमआर काम करोगे तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी। इससे क्या होगा, आपको सारे ये प्रोसेस बनाने ना काफ़ी इजी हो जाएंगे। अब एज ए न्यू गाई आप जाओगे ना, तो इन सारे प्रोसेस बनाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्सपर्टीज आपके अंदर है नहीं। अब उस एक्सपर्टीज़ को पाने के लिए आपको किसी न किसी को हायर करना पड़ेगा, आप थर्ड पार्टी में हायर करने जाओगे, चीज़ों से, लोगों से चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पूछोगे, पता करोगे, और परफेक्शन आने के
चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो इसलिए अगर आपको फार्मा में इंटरेस्टेड हैं आप कि फार्मा में मुझे कैसे काम करना है, तो कोशिश करिए किसी कंपनी के अंदर एज ए MR 6 मंथ या 1 मंथ 1 ईयर के लिए काम कर लीजिए। या फिर आप बोलोगे सर फार्मा में जॉब ही नहीं मिल रही, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो हम कैसे करेंगे, तो उसका दूसरा तरीका यह है कि कुछ टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के 6 मंथ के लिए आके कोई किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेके वर्क करके थोड़ा काम को समझ लो, फील्ड में जाओगे, लोगों से मिलोगे, इंट्रैक्ट होगे, तो आपके पास नॉलेज आएगा। तो इससे आपको कंपनी जो लॉन्च करने का मॉडल होगा ना, ये सारे स्टेप मैंने आपको बताए हुए हैं, ये सारे स्टेप ना इजिली आप समझ पाओगे और इसको कर पाओगे, आपके लिए टिपिकल नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप सक्सेसफुल कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। और इसमें लास्ट में एक बोनस पॉइंट देता हूँ, किसी भी कंपनी को बड़ा करने के लिए ना गिव एंड टेक से बिजनेस बड़ा नहीं होता। बिजनेस किसी कंपनी का अगर बड़ा होता है ना, वो ब्रांड बनाने से होता है। अगर आप लोगों में से कोई भी कंपनी लॉन्च करने जा रहा है तो हमेशा देखो गिव एंड टेक करना पड़े, एक्टिविटी करना पड़े, कॉन्फ्रेंस करना पड़े, कैंप करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, एक ब्रांड को पकड़ के ना, एक प्रोडक्ट को पकड़ के उसको ब्रांड बना दो। मतलब उसको कोई भी ना प्रमोट कर रहा हो ना, तो भी वो कंपनी का पूरा खर्चा निकाले, इतना सेल उस ब्रांड का होना चाहिए। आपके सिटी के अंदर कोई ऐसा मेडिकल स्टोर नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो ब्रांड अवेलेबल ना हो। मतलब उसको पूरी तरीके से डिजिटल दुनिया में बोलूँ तो वायरल कर दो, ठीक है। इतना उसके ऊपर वर्कआउट करो, हर एक डॉक्टर से उसका प्रिस्क्रिप्शन निकलवाओ। बात देखो कंपनीज के अंदर ना प्राइम फोकस होते हैं, प्राइम फोकस ब्रांड होते हैं, वो ब्रांड बड़े बन जाते हैं ना तो पूरी कंपनी का खर्चा निकाल देते हैं। या सारे ब्रांड नहीं होते, सारे कंपनी के अंदर हर एक डिवीजन के अंदर एक या दो ब्रांड ऐसा होता है जो पूरी डिवीजन का खर्चा निकाल रहा होता है। तो आप जब कंपनी लॉन्च करने जाओगे तो आपके पास भी एक या दो ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो पूरे आपकी कंपनी का खर्चा निकालते, और उस ब्रांड को डेवलप करना पड़ता है। मतलब आपने प्रोडक्ट बनवाया, अभी प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको प्लान बताया, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप कंपनी लॉन्च करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो मुझे बताना। बाकी रजिस्ट्रेशन और उन सब चीज़ों के लिए लीगल जो प्रोसेस है उसके लिए किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्या लीगल प्रोसेस होता है, प्रोसीजर एक्चुअली क्या होता है गवर्नमेंट में एज ए कंपनी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का, दोनों लोगों का ख्याल रखिए, ठीक है। बाय बाय।